राहुल जी को अपना सांसद बनाओगे बनाओगे, भारी बहुमत से जिताओगे, आपको दो दो लोग जाएंगे, भैया भी मिलेंगी, बहन भी मिलेंगे, बहन बहन भी मिलेंगी। ये संविधान बदलने वाली बातें, ये आपको कमजोर करने वाली बातें, ये जो टीवी पे हर रोज आपको दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है। टीवी की सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है कि ये लोग सिर्फ खरबपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। पूरी तरह से इन्होंने गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, मेरी बहनों को नकारा है। आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला है। अब संविधान बदलना चाहते हैं, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बताइए बचेगा क्या। इस संविधान ने सब कुछ दिया है, तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूं कि आप जागरूक हो। एक जागरूकता का इतिहास है यहाँ का, 103 साल पुराना। यहाँ गांव गांव में जाती हूँ, मुझे स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलता है। गांव गांव में आजादी की लड़ाई किसने लड़ी है, गांव गांव में कार्यकर्ता है, एक पार्टी के नहीं लेकिन सब पार्टियों के। तो यहाँ राजनीतिक जो जागरूकता है बहुत है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ से संदेश भेजो पूरे देश में, हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, हमें इस देश के संविधान को बचाना है, हमें इस देश में ऐसी सरकार लानी है जो हमारी संपत्ति हमारे हाथों में हमें वापस दे। और इसका प्रमाण राहुल जी को अपना सांसद बनाओगे बनाओगे, भारी बहुमत से जिताओगे, आपको दो दो लोग मिल जाएंगे, भैया भी मिलेंगी, बहन भी मिलेंगे, बहन बहन भी मिलेंगी। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम निष्ठा से काम करना चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ का किसान मजबूत बने। ये जो मुश्किलें हैं, ये जो जीएसटी, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, ये जो आपकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं, हम इनको घटाना चाहते हैं, हम आपको समर्थन देना चाहते हैं कि आप इनका सामना कर पाओ। इसीलिए हमने इतनी सारी हम स्कीम लाए हैं, चाहे नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए। तो जागरूक बनो, जागरूक बनो, नहीं तो पता चलेगा कि जहां जहां आज भी कांग्रेस की सरकार जिस प्रदेश में है, वहां देखो कर्नाटका में बहने सब बस की यात्रा मुफ्त है, बहनों के लिए बहने तीर्थ यात्रा पर रोज रोज निकल रही हैं, मायके जा रही हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने मुफ्त, ठीक है। तो ये हो रहा है कांग्रेस के प्रदेश में, किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं, अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, दो दो हजार रुपए मिल रहे हैं महिलाओं को खाते में आज भी, ओपीएस चल रहा है, पुरानी पेंशन वाला स्कीम। तो ये सारी चीजें आप जानकारी लीजिए, जागरूक बनिए, और इस बार राहुल भैया को यहाँ से जिताइए, अपना सांसद बनाइए। एक बार मेरे साथ